नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दादा साहेब भगत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डोगरा पीस। और बिजनेस सीरीज का ये हमारा पहला टॉपिक है कि बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो किसको करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि हर कोई, हमारे जो यूथ है, बिजनेस के लिए बहुत पैशनेट होता है कि हमें बिजनेस करना चाहिए, और बहुत सारे हम लोग उसके लिए बहुत सारे न्यू यूट्यूब पे वगैरह कंटेंट देखते रहते हैं। लेकिन उसका प्रैक्टिकल हम लोग क्या करते हैं, ये वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग प्रैक्टिकल क्या करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं सपना देखना चाहिए कि डायरेक्टली हम लोग गूगल बनाएंगे, फेसबुक बनाएंगे, या हम लोग अंबानी बन जाएंगे या मार्क जुगर बन जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, एक छोटे नीच को पकड़ के एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए कि हम लोग सोसाइटी का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने, हमारा जो डू ग्राफिक्स है, हम लोगों ने जो मार्केट की अभी नीड थी कि जितना भी हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे थे, मेक इन इंडिया का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर नहीं। तो हम लोगों ने ये अपना इनिशिएटिव लेके एक डिज़ाइन का, अपना इंडिया का नीड कंप्लीट करने के लिए ये डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बनाए। तो हमें अपना देखना चाहिए कि वो सिंपल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अगर सपोज को आपका छोटा एक फूड का भी बिजनेस है, या आप सब बोल सकते हैं इस मोहल्ले में एक खाने का अच्छा नहीं मिलता है, तो हम लोग उससे उधर एक अच्छा खाने का होटल डालते हैं। ये है मार्केट की नीड। आपको बेसिक मार्केट की नीड समझना सबसे इम्पोर्टेंट। बिजनेस अगर आप करते हो, बिजनेस और जॉब में डिफरेंस क्या है, बिजनेस में आपको डेली इंक्रीमेंट मिलता है। जैसे हम लोग अगर जॉब कर रहे हैं, आप तो साल भर रुकना पड़ेगा, 6 महीने रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करो, हाँ रिस्क है, लेकिन आपको रिस्क डायरेक्टली नहीं लेना। बिजनेस करना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, और कैसे कैलकुलेट करके आपको रिस्क 100% है। लेकिन बिजनेस में जो ग्रोथ है, जो जॉब में नहीं, जॉब में आपको कांस्टेंट ग्रोथ है। लेकिन आप अगर जॉब करो तो उसमें क्या गारंटी है, अगर कल हो जाए आपकी कंपनी बंद पड़ जाए, या अभी जैसे कोरोना का प्रॉब्लम है, बहुत सारी इंडस्ट्री को ड्रॉबैक, तो उधर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका इनिशिएटिव है या आपके अंदर कुछ आग है बिजनेस करने की, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपना लाइफ टाइम बिजनेस सेट कर सकते हो, और अपना खुद का भी करके और भी कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हो उसको जॉब के लिए। हम लोग कितना भी बोले कि गवर्नमेंट ये नहीं करे, गवर्नमेंट वो नहीं करे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही, तो हम भी अपना कुछ स्टार्टअप करके या कुछ बिजनेस करके दो लोगों को भी अगर जॉब करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ऐसे छोटे छोटे करके हम लोग इंडिया आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। और बिजनेस बेसिकली देखा जाए तो ये लोग करते हैं जिनको अलग हट के कुछ करना है, इनको अलग नॉलेज गेन करना है, वो कुछ तो सीखने का है। बिजनेस मतलब उसको ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आना चाहिए, उसको बहुत सारे अलग नॉलेज चाहिए। उसको मार्केटिंग आना चाहिए, ब्रांडिंग आना चाहिए, या जिसको जो कोर पार्ट है, मेरा अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर पार्ट तो आना चाहिए। लेकिन उसके रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस का ये है कि चारों तरफ से देखना पड़ता है, जैसे फंडिंग है, एडवर्टाइजिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये सब टीम बिल्डिंग, सबसे मेन पार्ट है टीम बिल्डिंग। तो ये सब चीज़ें जब हमारा अल्टीमेट कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसी के ऊपर अपना बिजनेस टिकता है। तो अभी हम लोग देखा जाए कि जो कोरोना का ये चालू है, इसमें बहुत सारे आपको प्रॉब्लम दिख रहे होंगे, लेकिन जो असली बिजनेसमैन है उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप बड़ा ब्रांड भी देख रहे हो, या बड़ी कोई दुकान देख रहे हो, या बड़ा कोई कंपनी देख रहे हो, उनका भी मार्केट डाउन है या सेल्स है। अगर आप दोनों साथ में कंपेयर कर रहे हो, तो लगभग आप अगला ऊपर आने का चीज़ साथ में कर सकते हो, मतलब आप भी उसके कंपेयर आज आ सकते हो, थोड़ा बहुत ये हो सकता है। अगर आप अच्छे बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ ऊपर आने का ट्राई करो, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। और इसमें बहुत सारे हमारे कॉस्ट बचने वाले हैं इस पैंडेमिक पे सिचुएशन में। जैसे हमारा ऑफिस, अगर ऑफिस का कॉस्ट बचा सकते हैं, या टीम भी बहुत अच्छी हायर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला एक कंसल्टेंट बन सकता है, अकेला एक जॉब कर सकता है, लेकिन अकेला बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ बिजनेस हो गए अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, किसी के एक सोसाइटी पे अपना इम्पैक्ट होना चाहिए, सोसाइटी की किसी की लाइफ ईजी होना चाहिए, तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो एक परफेक्ट टीम होना, एक टीम बिल्डिंग का काम आपको आना चाहिए। हम लोग अभी जैसे देख रहे हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि डायरेक्टली कोई बड़े इससे कर नहीं सकते। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट बनाना है, एप्पल बनाना है, स्टीव जॉब बनना है, या मार्क जुकरबर्ग बनना है, नहीं, ये अनरियलिस्टिक चीज़ है। हम अभी कितना नीच लेवल पे जाके छोटी चीज़ जो आपको लगता है, खुद को फील होती है, अरे ये सोसाइटी को प्रॉब्लम है, तो वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो। जितना छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगला आपको नेक्स्ट लेवल पे जाके, आप बड़ा कंपनी ऐसा बनता है,
अगर अब हम लोग देखा जाए तो फेसबुक पे ऐसा है, उनका पहला एम नहीं था कि हम लोग वर्ल्ड को कनेक्ट करें, उनको पहला एम था कि हम उनके उनका जो यूनिवर्सिटी था उनके स्टूडेंट्स को उनका कनेक्ट करना था। अभी वो वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, उनके पास व्हाट्सअप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये बाद में होता है। हमें पहले अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। बाकी हम लोग एक्सपांड तो करने वाले हैं, लेकिन छोटा चीज़ जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक हम लोग बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होना होते। तो हमें एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बड़ा चीज़ बनाना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो पैंडेमिक में है, जैसे ऑफिस का हम लोग रेंज बचा सकते हैं या टीम अच्छी बिल्ड कर सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो मार्केट में लोगों के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अभी डिजिटल, बहुत सारे लोग डिजिटल आ रहे हैं और जो कस्टमर है उनको भी डिजिटल खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। जो मार्केट में ज़्यादा थोड़ा तो कम हो जाएगा, बहुत सारा कम होने वाला है। तो हम लोग अपना मार्केटिंग का बहुत खर्चा बचा सकते हैं। अपना फेसबुक पेज लॉन्च करो, इंस्टाग्राम पेज लॉन्च करो, फेसबुक ऐड चलाओ, अपना वीडियो कुछ कंटेंट क्रिएट करो जो आपके कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपके आपके पास पहुंच सकते हैं जो कस्टमर। अपना वेबसाइट बनाओ। तो ये बहुत कम खर्चे में हम लोग ब्रांडिंग का और एडवर्टाइजिंग का काम करके अपना ब्रांड सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये सब अभी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसको आप कितना इंप्लीमेंट करते हैं, हम लोग आगे जाके भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। आपको ब्रांडिंग कैसे करना है, आपका बिजनेस में कैसे ये करना है। तो ऐसे आपको कोई आपके दोस्त को ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और ऐसे आपके भी पास ऐसे वीडियोज़ आने के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच जाए। और हमारा जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत बनाना है और सभी बिजनेसेस को एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के लिए हमें पुश करना है कि आप अपना ब्रांड बनाओ। ये हमारा प्लेटफॉर्म है डू ग्राफिक्स, इसी के लिए हम लोगों ने बनाया कि अपने इंडिया के जितने भी बिजनेस आत्मनिर्भर बने। तो हमें भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।